काशी स्थित ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने की खबर सामने आते ही देश में व्यापक बहस छिड़ गई। इस बहस ने कई बार अप्रिय रूप धारण किया। शिव भारतीय लोकमन के निराले देवता हैं। शिव में जीवन जगत के सभी आयाम हैं। उनका उल्लेख ऋग्वेद में है, जिसके अनुसार हम नमस्कारों से रुद्र की उपासना करें। यजुर्वेद के 16वें अध्याय में उन्हें असीम सर्वव्यापी बताया गया है। वह रुद्र शिव है, प्रथम वक्ता है, नीलकंठ हैं, सभा रूप हैं, सभापति हैं, सेना है तो सेनापति भी वही हैं। वही वायु प्रवाह सूर्य चंद्र और प्रलय में हैं। सर्वव्यापी शिव की उपासना लिंग प्रतीक के रूप में होती रही है। शब्द लिंग का अर्थ प्रतीक है। पूरा भारतीय वांग्मय लिंग का अर्थ प्रतीक बताता है, लेकिन गैर जानकार और दुराग्रही लोग और खासकर कुछ दूसरे धर्म के लोग लिंग को प्रजनन अंग बता रहे हैं। एक कथित इस्लामिक उपदेशक हैं जिन्होंने टीवी बहस में घोर अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताया और कहा कि हिंदू मूर्ति पूजा और प्रजनन अंग की उपासना के अभ्यस्त हैं। इंटरनेट मीडिया में भी एक वर्ग द्वारा ऐसी ही घटिया और फूहड़ टिप्पणियां की गईं। इससे भारत का मन आहत हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा में लिंग का अर्थ प्रतीक है। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े ने धर्मशास्त्र का इतिहास में शिवलिंग को शिव प्रतीक बताया है। दार्शनिक हीगल ने फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में लिखा है, प्रतीक एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, इसके प्रति भाव जुड़ता है, तब प्रतीक बनता है। शिवलिंग प्रतीक में हिंदुओं का गहन आस्तिक भाव है। जुंग एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कंट्रीब्यूशंस टू एनालिटिकल साइकोलॉजी में प्रतीक निर्माण को सांस्कृतिक कर्म बताया है। लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य में प्रतीक का अर्थ बताया है। प्रतीक यानी प्रतीक, जहां प्रति का अर्थ है प्रत्यक्ष यानी हमारी ओर, और इक का अर्थ है झुका हुआ। प्रतीक हमें प्रिय लगने वाली किसी रूप या आकार का विकल्प है। सौंदर्य शास्त्र के विद्वान कुमार विमल ने लिखा है, उपासना के क्षेत्र में उपास्य पर चिन्ह, पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तौर पर आई हुई नाम रूपात्मक वस्तु को प्रतीक कहा जाता है। शिवलिंग शिव प्रतीक है। प्रतीक मूल रूप या विचार का प्रतिनिधि है। जनतंत्र में सबकी भागीदारी आदर्श मानी जाती है, लेकिन संपूर्ण जन प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते, वे प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि सभी जनों के प्रतीक हैं। शिव उपासना के क्षेत्र एशिया के बड़े भाग तक विस्तृत रहा है। शिव का समान अर्थ कल्याण है। देवरूप शिव करोड़ों की आस्था है। वह वैदिक काल के पहले से ही उपास्य हैं। वह प्रत्यक्ष नहीं देखे जा सकते, इसलिए उनका प्रतीक गढ़ा गया, जिसको शिवलिंग कहा गया। लिंग शब्द का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के लिए भी हुआ है। शंकराचार्य ने ईशावास्योपनिषद के भाष्य यानी मंत्र 17 में लिंग का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के अर्थ में किया है। यह प्रार्थना मृत्यु के समीप की है। शंकराचार्य जी का भाष्य है, मेरी प्राणवायु स्थूल शरीर को त्याग कर अमर वायु से मिले, कर्म और ज्ञान से संस्कारित लिंग शरीर बाहर निकले, स्थूल शरीर भस्म हो जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा में कई शरीर माने गए हैं। पहला प्रत्यक्ष स्थूल शरीर है। इसके भीतर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण, मन और बुद्धि यानी 17 तत्वों से बना लिंग शरीर है। लिंग शरीर पुनर्जन्म में नया स्थूल शरीर पाता है। हिंदू धर्म कोश में लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक अथवा चिन्ह बताया गया है। लोक कल्याण को व्यक्त करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह है। इसी तरह राष्ट्रध्वज राष्ट्रभाव का प्रतीक है। शिव सर्वव्यापी हैं, विराट हैं। ध्यान उपासना में विराट को समेटना कठिन है। प्रतीक के माध्यम से ध्यान और उपासना में सरलता होती है। संपूर्ण अस्तित्व का भी एक प्रत्यक्ष स्थूल शरीर होता है। संसार इस विराट अस्तित्व का प्रत्यक्ष शरीर है। उपासना की गहन अनुभूति में सृष्टि का कण कण शिव हो जाता है, लेकिन उपासना के लिए विग्रह या प्रतीक की आवश्यकता होती है। पूर्वजों ने लिंग
या प्रतीक विग्रह की कल्पना की। लिंग प्रतीक को पत्थर की वेदिका या अर्घे पर प्रतिष्ठित करते हैं, प्रतीक को अर्घ देते हैं। अर्घ का अर्थ है श्रद्धापूर्ण स्वागत, यह उपासना का भाग है। लिंग जनेंद्रिय नहीं है। जनेंद्रिय के लिए संस्कृत में शिष्ण शब्द का उपयोग किया गया है। इसकी उपासना निंदित थी, लेकिन अज्ञानता से ग्रस्त लोग यह सब जानने समझने को तैयार नहीं। मार्शल ने हड़प्पा खुदाई से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर लिखा है कि इससे निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि लिंग पूजा का उद्भव भारत में हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद में शिव उपासना के उल्लेख हैं। भारत में वैदिक धर्म और रिलीजन, मजहब के विश्वासी लोगों का सह अस्तित्व है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को विश्वास और अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सब अपने अपने विश्वास के अनुसार भारतीय रस छंद में आनंदित रह सकते हैं। सबको अपनी आस्था के साथ दूसरों के विश्वास का भी सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म का विकास वैदिक दर्शन से हुआ है। इसमें गलती खोजने वाले प्राचीन दर्शन के तत्व नहीं जानते। दारा शिको इस्लाम का अनुवायी था, लेकिन उन्होंने उपनिषद दर्शन का ज्ञान अर्जित किया। धर्म, पंथ, मजहब और रिलीजन की जानकारी से सभी पक्षों का ज्ञान मिलता है। हिंदू धर्म के अनुयायी को सर्वपंथ संभाव में कठिनाई नहीं होती, लेकिन अन्य विश्वासी अपने मजहब को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू मूर्ति पूजक है, इस्लाम में मूर्ति पूजा निषेध है। इस्लाम के अनुयायी मूर्ति ध्वंस का विचार हिंदुओं पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। मध्यकाल में हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए, आधुनिक भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से यहाँ आस्था के मध्य स्वस्थ संवाद नहीं है। भारतीय मनीषा ने शिव को हरेक रूप में देखा है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उन्हें नृत्य का प्रथम रचनाकार बताया गया है। भारतीय दर्शन में जो सुंदर है वह शिव है, सत्य है। अथर्ववेद में शिव शक्ति को अनेकशः नमन है। हमारी ओर आती शिव शक्ति, हमारी ओर से लौटती शिव शक्ति, हमारे निकट उपस्थित शिव शक्ति को सब तरह नमस्कार है। बावजूद इसके कुछ लोग शिवलिंग उपासना पर ओछी टिप्पणी करते हैं। ऐसा करके वे सर्वपंथ संभाव पर आघात तो करते ही हैं, अपनी अज्ञानता का भोंडा प्रदर्शन भी करते हैं। अर्थात आज हमने जाना कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग कोई प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग नहीं है। शिवलिंग में लिंग का अर्थ हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताया गया है। लिंग का अर्थ है प्रतीक या विग्रह, यानी जब हम शिवजी किसी को सीधे तो प्राप्त हुए नहीं हैं, तो उनको हम प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं और प्रतीक रूप में हम उनको लिंग कहते हैं। जब हम प्राइवेट पार्ट की बात करते हैं तो प्राइवेट पार्ट को संस्कृत में शिष्ण कहते हैं, और शिष्ण की उपासना या पूजा करना निंदित है। शिष्ण की उपासना या पूजा करना हमारे न शास्त्रों में कहा गया है, न वेदों में कहा गया है। तो अब जब भी आपसे कोई कहे कि हम लोग किसी की प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, तो उसको अच्छे से बता दीजिएगा कि लिंग का मतलब गुप्तांग या प्राइवेट पार्ट नहीं होता। लिंग का अर्थ हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में प्रतीक के रूप में बताया गया है, यानी शिवलिंग शिवजी का प्रतीक है।